हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, एट 36% ईबीसी इज लार्जेस्ट ग्रुप इन बिहार शोज कास्ट स्टडी। ये आप देखिए, मेरे हिसाब से ये आपका इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस होंगे। देखते हैं क्या है। मंथ्स अवे फ्रॉम द लोकसभा इलेक्शन इन 2024, द बिहार गवर्नमेंट ऑन मंडे रिलीज द रिपोर्ट ऑफ एन कास्ट सर्वे कंडक्टेड इन द स्टेट, सेइंग इट्स ओनली कंपाइल्ड डेटा एंड नो एनालिसिस ऑफ इट हैज बिन डन येट। तो मतलब ये कंपाइल डेटा है, अभी इसके ऊपर कोई एनालिसिस नहीं है। तो मतलब वो रैंडम बस डेटा है। टुडे ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ गांधी जयंती, द डेटा ऑफ कास्ट बेस्ड सेंसस, देखिए ये कास्ट बेस्ड सेंसस है, कंडक्टेड इन बिहार हैव बिन पब्लिश्ड। तो गांधी जयंती के दिन ये डेटा आपका पब्लिश किया गया था। द प्रपोजल फॉर द सर्वे वॉज पास्ड अनएनिमसली इन द लेजिस्लेचर। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार पोस्टेड ऑन ऑन द माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर या एक्स। ऑल 9 पॉलिटिकल पार्टीज इन द असेंबली विल नाउ बी कॉल्ड फॉर अ मीटिंग टू अप्रेज देम ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, द रिपोर्ट। अब देखिए ये कास्ट ब्रेकडाउन क्या है रिपोर्ट में। द रिपोर्ट सेड द अदर बैकवर्ड क्लासेस दैट इज ओबीसी मेक्स अप 27% ऑफ द, मैं देखिए अप्रोक्सीमेटली डेटा बोलूंगा, 27% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। द एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस ईबीसी, ओके ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस नहीं है, ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस है, इज 36%। द शेड्यूल कास्ट एससी जिनको बोलते हैं वो 19.5% है, एंड द शेड्यूल ट्राइब्स 1.6%। द अपर कास्ट मेक्स 15.5%, हिंदूज फ्रॉम 81% ऑफ द पॉपुलेशन एंड मुस्लिम्स 17%। तो ये आप देखिए ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया। तो हम लोग अगर इसमें रखना चाहे तो सबसे पहले ईबीसी हो जाएंगे, ईबीसी के बाद आप देखिए आपके ओबीसी हो जाएंगे 27% के साथ, फिर आपके एससी हो जाएंगे, फिर आपके एसटी हो जाएंगे, और आप देखिए हिंदूज आपके 82% है, और फिर मुस्लिम्स आपके 17.7% है। द टोटल पॉपुलेशन इज 13 करोड़। ये कितने की बात हो रही है, 13 करोड़ की बात हो रही है आपके। तो ये कुछ बेसिक्स हमारे पास डेटा है बिहार का। द सर्वे रिपोर्ट बिहार जति जाति आधारित गणना, तो ये रिपोर्ट का नाम है जाति आधारित गणना 2022 बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे सेज द यादवा मेक्स अप 14% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन, कुशवाहा हैज 4.27% एंड द कुर्मीज आर 2.87%। द मुशार कास्ट मेक अप 3% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन एंड बिहार ब्राह्मण्स मेक 3.66%। द अपर कास्ट काशा कम्युनिटी कम्स टू 0.68 पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। द कांग्रेस कॉल्ड अपॉन द सेंटर टू होल्ड अ सिमिलर एक्सरसाइज एट द नेशनल लेवल इमीडिएटली। फॉर्मर पार्टी प्रेसिडेंट राहुल गांधी सेड द सेंसस हैज प्रूव दैट 84% ऑफ द पीपल इन द स्टेट बिलोंग टू ओ बी सी एस सी एंड एस टी एंड देयर शेयर शुड बी अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। अब ये कौन से शेयर की बात हो रही है आप बताइए मेरे को। सीनियर बिहार बीजेपी लीडर सुशील कुमार मोदी सेड द पार्टी इज करंटली एनालाइजिंग द रिपोर्ट एंड इट इज ओनली आफ्टर एनी कमेंट ओवर इट विल बी मेड। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव सेड द होल कंट्री वुड वॉइस अ डिमांड फॉर सच सर्वे। सीनियर बीजेपी लीडर एंड द यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह सेड कास्ट सेंसस विल डू नथिंग मोर देन स्प्रेड कन्फ्यूजन अमंग द पुअर एंड पब्लिक ऑफ द स्टेट। द कास्ट सेंसस रिपोर्ट कार्ड इज जस्ट एन आई वॉश। अब देखिए इसमें मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ, ये कास्ट सेंसस हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। देखिए बात हो रही है हमारे कास्ट सेंसस की, ठीक है। अभी ये तो बिहार में हुआ है तो उसका डेटा हमारे पास आया है जो हमने पीछे देखा है। अब देखिए सबसे पहले इसके प्रोज भी हैं और इसके कॉन्स भी हैं। आप देखिए प्रोज में क्या है, हमें पता चलेगा किसका पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है तो हम उसके हिसाब से पॉलिसी बना सकते हैं। हमें पता चलेगा किसका पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो हम उस हिसाब से, जैसे कि अगर सब्सटेंशियल अमाउंट, जैसे हमने देखा एस सी, देखिए यहाँ पे जैसे हमने देखा यहाँ पे एस टी हमारे हैं कितने, एस टी 1.68% है। ओके, हमने एस टी को देखा कि 1.68% एस टी है, मानिए हमने इनके लिए खूब पॉलिसी लिया है और ऐसा हो गया कि ये 16% हो गया।
तो इससे हमें इतना हो जाता है कि चलो अब इसके बाद क्या करते हैं, रोक देते हैं, ठीक है, अब इनको मतलब हो गया, इनका जितना डेवलपमेंट होना था, ग्रोथ होना था, हमने करवा दिया, अब इतने वेल ऑफ हो गए हैं कि ये लोग खुद का ध्यान खुद रख सकते हैं, तो हम यहाँ से पॉलिसी अपना विड्रॉ कर सकते हैं और फिर किसी और जगह, मानिए इनके चक्कर में, मानिए कहीं पे SC यहाँ पे हमारे डिक्लाइन में जाने लगे, तो इनके लिए पॉलिसी, तो हम ऐसा पॉलिसी वाइज कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें कौन से, इसके मतलब क्या क्या बुराई है, मेरे हिसाब से सबसे पहले कास्ट, देखिए क्या होता है ना, कास्ट कोई चाह नहीं रहा है जल्दी, ब्राह्मण्स को भी कास्ट ऐसा नहीं है, कई ब्राह्मण्स हैं जो सफ़र कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए या कैसे समाज में, और क्या होता है पहले की थिंकिंग और थी, अब की थिंकिंग और है, तो लोगों को कास्ट जल्दी पसंद आ नहीं रहा है, क्योंकि जो शायद पहले उनके लिए एडवांटेज था अब उनके लिए डिसएडवांटेज बन गया है। दूसरा, आप लोअर कास्ट को देखिए, कई बार क्या होता है वो अपने कास्ट को छुपाना चाहते हैं, ठीक है, उनको पसंद नहीं है कि हमें कोई ऐसे लोअर कास्ट बोले, और मैं भी मानता हूँ लोअर कास्ट कुछ ऐसा होता ही नहीं है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, ये सारे एक ही है, तो मेरे हिसाब से ये भी है, तो ये ऐसे अलग से डिनोट करना किसी के कास्ट को, मेरे हिसाब से ये प्रैक्टिस होनी नहीं चाहिए, तो मुझे नहीं पसंद है ऐसा अलग से कास्ट बेस्ड ऐसा कुछ होना चाहिए। और बात रही, हमें इस तरफ जाना चाहिए कि कैसे इसको टोटली हम हटाएं, तो हम तो इसको एक स्टेप फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं कि कास्ट को क्यों रखना है, तो मैं तो कह रहा हूँ कास्ट होने ही नहीं चाहिए, सब इक्वल होने चाहिए, ठीक है, इक्वालिटी पर हम बिलीव करते हैं, तो इक्वालिटी करने के लिए कास्ट तो होने ही नहीं चाहिए ना हमारे पास, तो इसलिए मैं ये चीज़ फेवर करता हूँ जो यहाँ पे गिरिराज सिंह ने बोला है, द कास्ट सेंसस रिपोर्ट कार्ड इज जस्ट एन आई वॉश, ठीक है, कास्ट सेंसस विल डू नथिंग मोर देन स्प्रेड कन्फ्यूजन अमंग द पुअर एंड द पीपल ऑफ द स्टेट, ठीक है। और मेरे हिसाब से यहाँ पे एक और लाइन कि कास्ट सेंसस विल मतलब स्प्रेड, आप देखिए कास्ट सेंसस विल स्प्रेड आपका ये हेट्रेड, ठीक है, इसको भी स्प्रेड कर सकता है कि देखो हम अपने अभी भी इतने ही है ब्राह्मण, देखो खैर ब्राह्मण भी 3.12% कुछ है, पर आप देखिए कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसे मतलब हो सकता है किसी के मन में चीज़ें खराब आए, तो मैं चाहता हूँ ये चीज़ ना हो। और अब देखिए ब्राह्मण्स को भी यहाँ पे लग सकता है हम तो कम है, हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, तो ये चीज़ नहीं, इंडिया एज अ होल कम्युनिटी लेके चलना है, कास्ट को हमें एलिमिनेट करना है, मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, चाहे वो ब्राह्मण है चाहे वो शूद्र है, मैं बस चाहता हूँ कास्ट हम हटाए, क्योंकि मुझे कास्ट से कोई ऐसा खास मतलब है नहीं, और बस यही था इस आर्टिकल में हमारे लिए। और जो डेटा है आप देखिए, डेटा तो यहाँ पे ये दिया हुआ है OBC का, EBC का एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, फिर SC का, फिर ST का, और हिंदू की पॉपुलेशन ज़्यादा है मुस्लिम से, 82% है, ये 17% है, और यहाँ पे कास्ट वाइज प्रॉपर दिया हुआ है, हमें ये एग्जाम के लिए नहीं देखना है, बस हमें पता होना चाहिए क्या है। सो थैंक यू गाइज एंड प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।